नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक में चाचा भतीजे की आपसी जो टकराव चल रहा है उसकी एंट्री वापस हो चुकी है। चाचा हैं शिवपाल सिंह और भतीजे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनके बीच जो टकराव है, जो तनातनी चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं अखिलेश यादव की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह चाचा शिवपाल सिंह को वो मना लें, राज़ी कर लें और फिर वो एक साथ एक मंच के नीचे खड़े नजर आए। पर अभी तक ऐसा कोई युक्ति अखिलेश यादव सोच नहीं सके हैं जिस पर चाचा शिवपाल मान जाए और उनके साथ मंच भी साझा कर लें। वजह यह है कि शिवपाल चाहते हैं कि उन्हें भी पूरी दमदारी से उतना ही हक मिले पार्टी में जितना अखिलेश यादव का है, लेकिन अखिलेश चाहते हैं कि चाचा शिवपाल एक या दो सीटों पर ही खुश रहें। अब जब पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक हैं तब फिर शिवपाल ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं ये कहकर कि हर सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को ही भुगतना होगा। उनके ही वोट कटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है और एक बार फिर शिवपाल ने ये चुटकी ली है। शिवपाल ने अपने जज्बात भी बयां किए हैं इस तंज के ज़रिए कि एक बार अखिलेश यादव ने उनको ऑफर किया कि वो उनके साथ आके चुनाव लड़े और वो जसवंत नगर की सीट उनको देते हैं। शिवपाल ने साफ शब्दों में ये कहा है कि उन्हें अखिलेश की दी हुई लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जिस पार्टी को उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया उसमें उनको सिर्फ एक सीट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और वो इसके लिए राजी नहीं है। यानी वो चुनाव लड़ेंगे तो उतनी ही बराबरी से लड़ेंगे जितनी बराबरी से अखिलेश यादव अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। तो अब अगर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में उनकी मुश्किलें खत्म हो और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कोई ऐसा साथ मिले जो योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मजबूती दे सकता है, तो उन्हें शायद इससे भी बड़ा ऑफर अपने चाचा शिवपाल के सामने रखना होगा। नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।